हेलो गाइस, मैं प्रियल, आपका प्रियल मैम रीजनिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कैलेंडर, कि कैलेंडर क्या होता है, कैसे हम कोई भी डेट से कोई भी डेट निकाल सकते हैं, डेट से दिन, दिन से डेट, कुछ भी निकाल सकते हैं। कैलेंडर का जादू ही खेल आते अब देखने वाले हैं कि कैसे हम कोई भी दिन कोई भी डेट कुछ भी निकाल सकते हैं। केवल एक दिन पता होना चाहिए, बाकी कुछ भी आप निकाल सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे आज के अपने वीडियो को। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे बोलूंगी, जो बच्चे नए आज पहली बार हमसे जुड़े हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए प्रियल मैम रीजनिंग को, उसके बाद इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने बाकी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा कि कैसे हम बहुत ही कम समय में, मुश्किल से 10 से 15 मिनट का समय लूंगी आपका, 15 मिनट्स के अंदर मैं आपको सिखाऊंगी कैलेंडर की एक नई ट्रिक, एक शॉर्टेस्ट मेथड किसी भी डेट को फाइंड आउट करने का। ओके, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट, हर एक टॉपिक, हर एक चीज को समझने के लिए उसका कंसेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत करेंगे हम आज के अपने कंसेप्ट की। तो ये लीजिए आपका कंसेप्ट। पहले समझते हैं कैलेंडर में होता क्या है। कैलेंडर में आपको पता है दिन होते हैं, महीने होते हैं, साल होते हैं। दिन पता ही है आपको, दिन कितने 365, 366। दिन कितने होते हैं 366 या 365, दो ही दिन होते हैं। ये होता है आपका लीप वर्ष में, मैं बताऊंगी लीप वर्ष क्या होता है, और ये होता है ऑर्डिनरी ईयर में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये सबको पता होगा। या तो दिन होंगे टोटल एक साल में दिन होंगे 366 या 365। महीने कितने होते हैं 12 महीने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, पता ही होगा। हफ्ते कितने होते हैं, मतलब एक हफ्ते में दिन कितने होते हैं 7 दिन होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे सैटरडे संडे तक। समझ में आ गया, ये तो बेसिक बात थी जो आपको हर किसी को पता होगी। अगर आप कैलेंडर सबने देखा ही हो कैलेंडर क्या होता है, तो वो कैलेंडर मैंने बता दिया आपको। अब कुछ स्पेशल स्पेशल चीजें आती है कैलेंडर में, वो हम देखते हैं। जैसे कि बात करेंगे हम चार चीजों की, ऑर्डिनरी ईयर सामान्य साल, लीप वर्ष अधिवर्ष साल, सेंचुरी ईयर अधिवर्ष शताब्दी साल, लीप सेंचुरी ईयर और लीप ऑर्डिनरी ईयर। ये हम चार चीजें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये हमारा असली कैलेंडर चालू होगा, असली कैलेंडर इसके बाद चालू होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं बिना कोई देरी के, किस टाइप से हम लोग अपना कोई भी डेट कोई भी दिन निकालने की तैयार हो सकते हैं। देखिए ऑर्डिनरी ईयर, आप सभी को पता होगा ऑर्डिनरी ईयर मतलब सामान्य साल। डेफिनेशन देखिए, वो साल जो चार से विभाजित ना हो, जो चार से डिवाइड नहीं होता, उसे बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनरी ईयर। सामान्य साल जो चार से डिवाइड ना हो, एग्जांपल देख लीजिए 2001, 2003, 2015, 2013, कोई भी साल जो चार से डिवाइड ना हो, उसे बोल देते हैं हम क्या, आपका ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, अब बात करते हैं अपन लीप ईयर की। क्या बात करेंगे, लीप वर्ष अधिवर्ष साल। अब ये कौन साल होते हैं, वो साल जो चार से डिवाइड हो जाए पूरी तरीके से, वो साल जो पूरी तरीके से चार से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि 2020 चल रहा है जो हमारा साल, 2016, 2004, 1984, 82, कुछ भी ऐसा कोई भी साल जो चार से डिवाइड हो जाता है वो। अब अगर मैं लिख दूं 2000, ये भी जो चार से डिवाइड हो जाता है, पर मैंने यहाँ पे ये लिखा नहीं, ये मैंने यहां नहीं यहां लिखा है, ध्यान दीजिएगा। 2000 भी तो चार से डिवाइड हो जाता है, आप डिवाइड करिए आराम से हो जाएगा, पर ये मैंने यहाँ नहीं लिखा, ये मैंने लिखा है आपका यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो ऐसा क्या फर्क है इस 2000 में और उस 2000 में क्या फर्क है, ये पता लगाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने आपको बताऊंगी अब एक नई चीज जो बहुत कम बच्चों को पता होगी, शताब्दी साल। इतना समझ में आ गया, ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है, सामान्य साल क्या होता है, या अधिवर्ष साल क्या होता है, चार से बैठकर हम देखते हैं, फोर से बैठकर हम देख लेते हैं। अब बात करते हैं शताब्दी साल की। शताब्दी साल क्या होता है, वो साल जिनके लास्ट में दो जीरो हो, केवल डेफिनेशन इतनी सी है, लास्ट में दो जीरो हो, जैसे कि 1600 दो जीरो हो गए, 2000 तीन है मगर लास्ट में दो भी तो है, 1500 मतलब कभी भी लास्ट में दो जीरो होना चाहिए। जब भी दो जीरो आ जाए समझ लीजिए वो शताब्दी साल है, दो जीरो तो आ गए, चलो ये कहानी समझ में आ गई, दो जीरो आ गए। अब 1500 और 1600 इनमें क्या फर्क हो गया, 1500 और 1600 इनमें क्या फर्क हो गया, मतलब इसमें भी तो होना चाहिए। ऐसे नॉर्मली ईयर में हम क्या देखते हैं, लीप और नॉन लीप ये देखते हैं, तो शताब्दी सालों में भी तो लीप और नॉन लीप होना चाहिए। तो इसके लिए हमने कैटेगरी बनाई, जो साल शताब्दी साल, वो शताब्दी साल जो 400 से डिवाइड हो जाएंगे, जो 400 से डिवाइड हो जाएंगे। देखो एक कैटेगरी आ गई जिसमें दो जीरो नहीं है, दो कैटेगरी देखो, एक है जिसमें जीरो नहीं है, एक है जिसमें जीरो है। जो जीरो नहीं है उसमें दो कैटेगरी है, ये और ये। अब दो जीरो वालों में तो कैटेगरी दो होनी चाहिए,
एक वो वाले दो जीरो जो डिवाइड हो जाए 400 से और एक वो वाले दो जीरो जो 400 डिवाइड नहीं हो। तो ये साल देखो 1600 2400 2000 ये कैसे हैं, वो साल जो 400 से डिवाइड हो रहे हैं, ये साल वो हैं जो 400 डिवाइड नहीं होते 1700 1500 2100 ये वो साल हैं। तो समझ में आया कैटेगराइज, समझ में आया किस टाइप से मैं डिवाइड किया है। तो आपको ये बात ध्यान रखना, हमने मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया कैलेंडर को, एक वो साल जिसमें लास्ट में दो जीरो नहीं आता, ये रहे वो साल, एक वो साल जिसमें लास्ट में दो जीरो आता है, वो रहे ये साल। समझ में आ गया, पहले दो कैटेगरी में डिवाइड किया फिर इनको फर्दर डिवाइड किया। समझ में आया कैटेगरी क्या है, समझ में आई सेंचुरी ईयर क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है, शताब्दी ईयर क्या, सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। तो एग्जांपल देख लेते, एक दो एग्जांपल और देख दिखा देती हूँ मैं आपको कैसे होगा। जैसे कि मैंने बोला 1200 आप बोलोगे ये डिवाइड हो रहा है 4 से डिवाइड हो रहा है, पर हम इसे 4 से डिवाइड करके चेक नहीं करेंगे क्योंकि इसमें लास्ट में दो जीरो है, ये इस कैटेगरी वाला सवाल है, इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो वो भी हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपका लीप ईयर हो गया, लीप सेंचुरी ईयर हो गया। ध्यान दीजिएगा जब भी डबल जीरो आ जाए पीछे तो आपको 4 से डिवाइड नहीं करके देखना, आपको 400 से डिवाइड करके देखना है, क्लियर हो गया। तो सवाल पहले समझ में आ गया आपको कि लीप ईयर, तो कोई भी अगर आपको साल दे रखा होगा तो आप निकाल सकते हो क्या ये लीप है या नहीं है, ये आपका शताब्दी है या नहीं है, आप निकाल सकते हो आई थिंक आराम से। अब आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पे आए हैं, पहली बार कैलेंडर को ही पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा मौका है, तो आप सभी लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ, कुछ चीजें और बताऊंगी मैं आपको इसमें कि कैसे कैसे सवाल आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, कुछ सवाल आते हैं आपके एग्जाम्स में इसी कैलेंडर पे बेस्ड जो आपको इनके जवाब देने होते हैं। अब हम वो सवाल देख लेते हैं एक बार जल्दी से, एक ही नजर में पूरा कैलेंडर हो जाएगा आपको, एक ही नजर में आपको दिक्कत ही नहीं आने वाली कैलेंडर को पढ़ने में जरा सी भी, अगर आप अच्छे से आराम से पढ़ लेते हैं एक बार तो। ठीक है, अब सवाल देखते हैं, देखिए सवाल देखते हैं क्या है। पहला सवाल है आपका, लिख लीजिए पहले तो आप, हाउ मैनी लीप ईयर आर देयर इन 800 ईयर्स, पहला सवाल। दूसरा क्या है आपका, इफ फर्स्ट जैन 2020 को फ्राइडे है तो 31 दिसंबर 2020 को क्या होगा। ठीक है, तीसरा सवाल, अगर फर्स्ट जनवरी 2019 को अगर वेडनेसडे है तो बताना है 31 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने, इफ 7 मार्च 2016 को मंडे है तो आपका 15 मई 2016 को क्या होगा। पहले हम ये सवाल करते हैं फिर चलेंगे आगे की तरफ, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए पहले हम लोग ये तीन सवाल करते हैं। पहला सवाल कैलेंडर जो आप जितना अभी हमने पढ़ा उसमें से बता रही हूँ, पहले मैं जितना अभी हमने टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक पे हमने सवाल, हमारे पास तीन बने हैं। पहला सवाल आपके सामने ये है, आपसे पूछा जाएगा कि 800 सालों में कितनी बार लीप वर्ष आएगा, कैसे निकालेंगे आप। ये सवाल बहुत कॉमन सवाल है, बहुत बार एग्जाम में आता है। इस 800 को उठाया हमने, 800 को उठाया डिवाइड किया 4 से, कितना आया 2, 200 आ गया। तो मतलब आप लोग बोलोगे 200 बार लीप वर्ष आएगा, पर नहीं, इसका आंसर ये नहीं है। आप एक बात ध्यान दीजिए, 800 सालों में कहीं पे 100वां साल भी आया होगा, 200 वाला भी आया होगा, 300 वाला भी आया होगा, 400 वाला भी आया होगा, 500 वाला भी आया होगा, 600 वाला भी आया होगा, 700 वाला भी आया होगा, 800 वाला भी आया होगा, ये साल भी तो आए होंगे। जब हमने 800 सालों को क्रॉस किया है तो उसके पहले 100वां साल, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 ये भी तो आए होंगे। ये सब क्या है, आपके शताब्दी साल है क्योंकि बीच लास्ट में दो जीरो है। तो इनको चेक कैसे करेंगे, इनको चेक करेंगे 400 से डिवाइड करके। डिवाइड करिए, ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये हो जाएगा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये हो जाएगा। कौन कौन से नहीं हो रहे, 1 2 3 4 5 6
छह नहीं हो रहे, माइनस का सिक्स कर दीजिए, कितना हो गया 194 आपका सही आंसर हो गया। समझ में आया? हमने फोर से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि नॉर्मली सबको हम फोर से डिवाइड करके देखते हैं, इसलिए हमने फोर से डिवाइड कर लिया। पर आप ये चीज भूल चुके हो कि इनमें बीच बीच में शताब्दी साल भी आए होंगे, इनमें बीच बीच में शताब्दी साल भी आए होंगे, उनको भी चेक करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम लोग? 400 से डिवाइड करके चेक करेंगे। वो करा हमने तो इसमें छह साल ऐसे थे जो शताब्दी साल नहीं है, उसको हमने माइनस कर दिया, तो 194 आपका सही आंसर हो गया। क्लियर हुआ? ये था आपका पहला सवाल, आपका कैलेंडर के अंदर ये पहला सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखिए, बताइए अगला सवाल आपके एग्जाम में, ये बहुत कॉमन सवाल है, ये भी आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। देखिएगा सवाल क्या है आपका, यदि 1 जनवरी 2020 को फ्राइडे है तो 31 दिसंबर 2020 को क्या होगा, मतलब साल का पहला और आखिरी दिन। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपका ये जो है एक लीप वर्ष है, क्या है आपका, एक लीप वर्ष है, अगर आपका दिया हुआ साल लीप वर्ष है तो साल का पहला और आखिरी दिन में एक दिन का फर्क होता है। अगर ये फ्राइडे है तो प्लस का वन कर दीजिए, सैटरडे हो जाएगा लास्ट साल का आखिरी दिन। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। क्या रखनी है? जब आपका लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष अगर दिया हुआ साल लीप वर्ष है तो पहले और आखिरी दिन साल के उसमें एक दिन का फर्क होता है, प्लस का वन करते सैटरडे आपका आंसर आ गया। अब अगला सवाल देखिए, अगर 1 जनवरी 2019 को वेडनेसडे है तो 31 दिसंबर, मतलब वही पहला और आखिरी दिन। पर यहाँ पे क्या है, ये आपका नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है, मतलब जब दिया हुआ साल आपका सामान्य साल हो तो साल का पहला और आखिरी दिन भी सामान्य होता है, सेम होता है। नॉन लीप ईयर का मतलब सामान्य साल, मतलब ऑर्डिनरी ईयर, वो भी ऑर्डिनरी होता है, सेम होता है। तो ये वेडनेसडे है तो इस दिन भी आपका वेडनेसडे ही हो जाएगा। ये दूसरी बात जो आपको याद रखनी है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, कि साल का पहला और आखिरी दिन सेम रहता है सामान्य साल में, और साल का पहला और आखिरी दिन फर्क होता है एक दिन का आपके लीप ईयर साल में। दूसरी चीज आपको समझ में आ गई, ये थी जो आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? अगला सवाल देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, अगला सवाल देखिए, आपसे बोला जाएगा क्या, ये तो बात हुई साल का पहला और आखिरी दिन की, अब साल के बीच में कोई भी दिन दे रखा हो तब कैसे निकालेंगे। आपसे बोला 7 मार्च 2016 को मंडे है तो निकालो 15 मई 2016 को क्या होगा। देखो इसमें साल के, एक साल के अंदर की बातें हो रही है, एक साल से क्रॉस नहीं हुआ, एक साल से अंदर की बातें हो रही, तो क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। मई से हमें, मई है मार्च, सॉरी मार्च अप्रैल मई, 3 महीनों की बात हो रही है। मार्च में कितने दिन बाकी हैं? 31 दिन होते हैं, 7 दिन माइनस कर दीजिए, कितना हो गया, 7, 8, 9, 10, 11, 24 दिन तो ये बच गए। अप्रैल में कितने होते हैं, 30 दिन होते हैं। मई में कितने होते हैं, जाना कहां तक है, 15 तक ही जाना है, तो 15 दिन मई के ऐड कर लीजिए। अब क्या कीजिए, आपको दो तरीके हैं, दो तरीके क्या हैं, सबको प्लस कर लीजिए, सबको प्लस कीजिए, 4, 5, 4, 9 और 3 और 3, 6, 69 हो गया। अब इसको डिवाइड कीजिए 7 से, 7, 9 जा 63, कितना हुआ, 6 आ गया। तो क्या हो जाएगा, फ्राइडे में, सॉरी मंडे में प्लस का 6 ऐड कर दीजिए, आपका आंसर है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, संडे आपका सही आंसर हो जाएगा। पहला तरीका आपके पास ये था, सबको ऐड कर लीजिए और फिर लास्ट में 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा यही ऑड डेज होगा, और इसी आपको, इसी दिन को आपको उसमें ऐड करना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी गलतियां कम हो तो आप क्या करेंगे, ये काम अभी नहीं करेंगे, पहले आप 7 से डिवाइड कर लीजिए, करिए 7 से 24 को डिवाइड कर, ऑड डेज लिखना है हमें केवल, यहाँ पे हमें मकसद केवल ऑड डेज से, कितना बचेगा रिमाइंडर, 3 बचेगा, यहाँ बचेगा 2 बचेगा, यहाँ आपका 1 रिमाइंडर बचेगा, कितना हो गया, 6 ही अभी भी आंसर आया, कितना आया, 6 आया, तो आपको ऐड 6 ही करना है, कितना हो जाएगा, संडे आपका सही आंसर हो जाएगा। इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है, पहले देख लीजिए कितने दिन हैं, जैसे मार्च में 7 तारीख से बात हो रही है, 31 में 7 माइनस कर देंगे 24 हो गया, और मई में जाना कहां तक है, 15 तक, तो 15 तक हमने मई तक की बात कर ली, जो दिन आए हैं उनको पहले डिवाइड कर लो 7 से, रिमाइंडर लिखना होता है यहाँ पे, ये क्या होता है, रिमाइंडर लिखना होता है, रिमाइंडर डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आ रहा है वो हमें यहाँ पे लिखना होता है, फिर उस रिमाइंडर को प्लस कर लीजिए, जो वैल्यू आएगी उतना ही उस वैल्यू में ऐड कर देंगे, उतना आपका सही आंसर हो जाएगा। तो संडे आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी, जब साल के अंदर की बात कर रहे हैं, साल क्रॉस नहीं हुआ, 2016 की बात करें, केवल 3, 4, 5, 6, 8
दस महीने तक की बात करें तो भी हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं, एक और बताओ, अगर साल क्रॉस हो जाए, ये तो थी साल के अंदर की बातें, ये तो थी आपके साल के अंदर की बातें, अगर साल ही क्रॉस हो जाए, एक साल से ऊपर की बात करें तो क्या होगा। देखिए जैसे कि अगर मैंने बोला इफ 7 मार्च 2016 को अगर फ्राइडे है और मैंने पूछ लिया 7 मार्च 2020 को क्या होगा, अब बताइए क्या होगा। अब देखिए सवाल में फर्क आ गया, 7 मार्च की बात नहीं है, बात है 2016 से 2020 तक जाने की, कितने साल का फर्क हो गया, 4 साल का फर्क, 2016, 17, 18, 19 और 20, 16 शुरुआत किया, 20 तक हमें जाना है। अब देखिए अब इसमें बात ध्यान दीजिएगा, शुरुआत हमने मार्च से करी है, मतलब 2016 की जो फरवरी है वो चली गई, अगर फरवरी इंक्लूड नहीं हुई है तो कुछ भी नहीं आएगा, इसमें फरवरी आई है पर कौन सी वाली आई है, सामान्य साल की, तो पल्स प्लस का वन होगा, इसमें फरवरी आई है सामान्य साल की, प्लस का वन होगा, इसमें प्लस का वन होगा। यहाँ देखो हमें मार्च तक जाना है, 2020 के मार्च तक जाना है, मार्च का मतलब फरवरी आई होगी, कौन सी वाली आई है, लीप वर्ष वाली आई है, तो प्लस का 2 ऐड करेंगे, कितना हो गया 2, 3, 4, 5, कितना हो गया प्लस का 5, अब वही इसमें प्लस का 5 कर दीजिए, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेनेसडे, कितना हो जाएगा, वेनेसडे आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ आप सभी को कैसे हमने ऐड किया। तो ध्यान देने वाली बात है, अगर एग्जैक्टली एक साल की बात कर रहे थे तो मैंने सिखाया था, अगर साल का पहला आखिरी दिन बताना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, अगर साल के अंदर की बात करें, एक साल के अंदर की, चाहे 3, 4, 6, 8 कितने महीने की बात करें, लेकिन साल के अंदर की बात करें तो हम ऐसे करेंगे। अगर एक साल से ज्यादा क्रॉस हो जाए, साल भर से ऊपर की बात करें, देखो 5-6 सालों की बात करें, 10 सालों की, 15 सालों की, हम कैसे करेंगे, इस टाइप से करेंगे। तो कर हम ऐसे भी सकते हैं, पर ऐसे करने में जन्म लग जाएंगे आंसर निकालने में, हमें क्वेश्चन हर क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करना है उसमें टाइम कम लगे, तो ऐसे वह काम टाइम सबसे कम लगेगा। अगर आपको पसंद आया ये वीडियो कि कैसे हम किसी भी कैलेंडर में कोई भी दिन कोई भी डेट निकाल सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा अपने इस चैनल को, प्री एलएम रीजनिंग को लाइक कर दीजिएगा और शेयर का बटन जरूर दबा दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर, बाय बाय, टेक केयर, एक नई वीडियो एक नई दिन के साथ, बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।